अस्सलाम वालेकुम, हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स एंड रिव्यू। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरह आप अपनी एक्ने स्कार को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। तो बहुत चीक मेथड है, आप डिस्प्रीन लें। और जैसा कि आप जानते हैं कि डिस्प्रीन एक केमिकल क्लास से बिलोंग करती है, जिसके अंदर एसिटाइल सैलिक एसिड से बनी होती है, जो कि बहुत ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट्स में शामिल होता है, एसिटाइल सैलिक एसिड। और ये एक एसिड है जो कि आपके रिजनरेट करेगा आपकी स्किन सेल को, और आपकी स्किन सेल को जो है दोबारा बनाएगा। जब दोबारा बनेंगी तो आपके एक्ने स्कार दूर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये एक एसिड है जो कि आपके स्कार को और आपके पिंपल को, आपकी रेडनेस को दूर करता है। और ये बहुत चीप मेथड है, आप इसको आसानी से तकरीबन 10 रुपए की या 13 रुपए की ये बाजार में आसानी से आपको मिल जाती है। ये केमिकल की एक क्लास से बिलोंग करती है, NC8। एस्पिरिन इज अ नॉन स्टीरॉयडल एंटी फिलामेंट्री ड्रग, और ये आपके स्कार, पिंपल और रेडनेस को दूर करती है। और ये जो है आप एज यू कैन सी कि मैं इसको पानी के साथ कर रही हूँ, लेकिन ये मेरे पास रोज़ वाटर है। आप इसकी पानी के बजाय रोज़ वाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्प्रे के ज़रिए मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, और ये आप देख रहे हैं कि ये थोड़ी देर बाद खुद फूलने लग जाती है और ये मेल्ट होने लग जाएगी, और मेल्ट होकर एक पेस्ट सी बन जाएगी। और इस पेस्ट को आप अपने पिंपल पे लगाएं, और ये पेस्ट की शक्ल में आ गई है, फोम सा बन रहा है। और ये आप इसको तकरीबन एक हफ्ते में 2 से 3 बार 4 दफ़ा करें। अगर आपकी एक्ने स्पॉट ज़्यादा हैं तो आप इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें, और फिर आफ्टर इसके 15 से 20 मिनट के बाद आप अपना मुंह साफ कर लें, और फिर आप फ़र्क इंशाल्लाह महसूस करेंगे 4 दिनों में। और बहुत कम दिन लगेंगे, आपके एक्ने स्कार दूर हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा महंगी प्रोडक्ट में ये सैलिक एसिड इस्तेमाल होता है, और एसिटाइल सैलिक एसिड बहुत न्यूट्रोजीनल टाइप और क्लीन एंड क्लियर वाली प्रोडक्ट में इस्तेमाल होता है, जो कि हमें हज़ारों की रुपए देने पड़ते हैं उसके लिए, अपने एक्ने स्कार को दूर करने के लिए। और जबकि ये सिर्फ 13 रुपए में आपके सारी एक्ने को रिड्यूस करेगी इंशाल्लाह। तो आप इसको पिंपल पे इस तरह से लगाएं, बिल्कुल आपने इसको अब्सॉर्ब नहीं करना, और जस्ट इसके ऊपर अप्लाई ऐसे कर देना, यानी कि ये आपने इसको इस तरह, इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, और इसको इस तरह लगे रहने देना है। जहाँ पर आपको एक्ने स्पॉट नज़र आ रहे हैं वहाँ पर आप ये लगाएं, और इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा फ़र्क महसूस होगा, क्योंकि ये एक एसिड है और एक एसिड की क्लास से बिलोंग करती है, और ये आपकी स्किन सेल को रिजनरेट करेगी, और आपके ऊपर वाली तय जो है उसको जब उतार देगी तो वो स्किन सेल दोबारा रिजनरेट होने की कोशिश करेंगे। तो जब दोबारा रिजनरेट होंगे तो उसके उस जाहिर है कि एक्ने स्कार तो नहीं बनेंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो जब रिजनरेट होती है स्किन सेल तो वो अच्छी बेहतर हालत में आती है। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि आप डिस्प्रीन का इस्तेमाल करें अपनी एक्ने स्कार को ख़त्म करने के लिए। और अगर आप अपना कॉम्प्लेक्शन सही करना चाहते हैं तो मेरे पास बहुत बेहतरीन फेस मास्क हैं डिस्प्रीन के, वो मैं अपनी अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। If you did like my video, please subscribe my channel and press the bell iconic button and share my videos. See you until then.